साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नवीन जयहिंद ने आज पलवल में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के उपरांत प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार ने विकास कराने की बजाय प्रदेश में लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है। भाजपा सरकार में हरियाणा राज्य में अलग अलग स्थानों पर दंगे हुए, प्रदेश कई बार जला और प्रदेश में कम से कम 100 लोगों की जाने गई, जिसके जिम्मेदार स्वयं सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नवीन जयहिंद ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विकास करने की बजाय अपनी जेब भरने का काम किया है। गुर्जर ने फरीदाबाद में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की है, स्कूल और अस्पताल खोलकर लोगों को लूटने का काम किया है। भाजपा सरकार में घोटाले किए जा रहे हैं। नवीन जयहिंद तो नवीन जयहिंद है, पंडित हूँ, कोई पापी तो नहीं। किसी को गाली देकर तो वोट नहीं मांगते। सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकारी एड देकर खुद को पंजाबी कहकर वोट मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है कि देश के पीएम भी तेली होने के नाम पर वोट मांगते हैं। हम 36 बिरादरियों को साथ लेकर वोट मांगेंगे, पंडित होकर पंडितों के बीच उनके नाम पर कतई वोट नहीं मांगेंगे। आम आदमी पार्टी एक चमत्कारी पार्टी है। दिल्ली में 28 सीटें आई थी, तब लोग हंसते थे, तब कहते थे कि 5 सीट आ जाएं गनीमत है। उसके बाद 70 में से 67 सीटें जीती थी। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जज्बात चमत्कारी ढंग से सीटें जीतेगी और अपना खूंटा गाड़ने के लिए इस चुनाव में उतरी है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में समूचा हरियाणा भी जीतेगा। तो भाई साहब, आम आदमी की आवाज उठाने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। हम कोई अरबपति खरबपति नहीं है, लाख रुपए मुश्किल से हमारे पास है, संपत्ति है, 4 मुकदमे हैं। एक मुकदमा है आरटीआई के आंदोलन के लिए दिल्ली में हुआ था, दूसरा मुकदमा है गायों की स्थिति खराब थी तो खुट्टा गार्ड अभियान चलाया था, कैप्टन अभिमन्यु के घर खुट्टा गार्ड के आए थे गाय का, तो वो मुकदमा हुआ था। एक भाई साहब अमित शाह आए थे तो उनके सामने सवाल करने गए थे, उसका एक FIR उसकी हुई थी। एक भाईचारा कावड़ यात्रा लेके आए थे पानीपत में, उसकी FIR करी थी सरकार ने। तो ना तो गुंडागर्दी करी है, ना वसूली करी है, ना माइनिंग करी है, कोई इस तरह की कोई ना मुकदमे है, ना अपने पास घर है, ना कार, कुछ नहीं। आम आदमी है और हम ये मानते कि ये गठबंधन, क्योंकि नई सोच के साथ दुष्यंत जी, अरविंद जी और हम सब कार्यकर्ता मिलके एक नई सोच के साथ चल रहे हैं, हरियाणा में बदलाव की बात कर रहे हैं, और जो बदलाव एक आम आदमी की जरूरत होती है वो बदलाव करेंगे। और भाई साहब, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उसमें सरकार बनाएंगे। नवीन जयहिंद ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस आपस में मिली हुई है, दोनों पार्टियां लोगों की भावनाओं से हिल रही हैं। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। भाजपा पार्टी ने पिछले चुनाव में किए गए एक वादे को पूरा नहीं किया। भाजपा ने नोटबंदी और GST लागू कर व्यापारियों की कमर तोड़ दी। भाजपा सरकार सेना के नाम पर राजनीति करने में लगी हुई है। भाजपा नेता सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने की बात कही गई थी, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी धारा 370 लगी हुई है। दूसरी बार भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यही बात फिर दोहराई। भाजपा सरकार केवल झूठ बोलने का काम करती है। जिस तरह से पिछले जो सांसद हैं हमारे कृष्ण पाल जी, उन्होंने जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया, तो हम तो एक लोगों से ये अपील करेंगे और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। जो दिल्ली के अंदर काम किया गया है बिजली पर, पानी पर, स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, हमने काम किया है जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, और जो BJP के कांड हैं वो लेके जाएंगे लोगों के बीच में। लोगों से हमारी यही वो है कि भाई अगर काम करवाने हो तो आम आदमी पार्टी और JJP को वोट दे देना, और अगर कांड करवाने हो तो BJP को वोट दे देना। कांग्रेस सेटिंग कर चुकी है, कांग्रेस BJP के साथ सेटिंग कर रही है, इसलिए कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। पिछले 5 साल के दौरान
बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत से बनी थी और लोगों को बड़ी आशाएं थी कि वो अपने वादे निभाएंगे। कौन कौन से वादे थे? 15 लाख का वादा था, नहीं निभाया। राम मंदिर की बात करते थे, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलने की बात करते थे, एक ईंट राम मंदिर की नहीं लगाई। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की बात करते थे, उसके अलावा प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करके किसानों के ऊपर एक किसानों से हफ्ता वसूली शुरू की। कृष्ण पाल जी खुद प्रोटेस्ट करते थे टोल के ऊपर कि ये जजिया कर है, तो ये जजिया कर अब कृष्ण पाल जी ले रहे क्या? ना वो लोगों के बीच में, ना दुख में, ना सुख में कहीं नहीं गए, ना किसान की ना जवान की। और हरियाणा के अंदर हम ऐसे नहीं करे, देश के अंदर बीजेपी ने धर्म के नाम से भेदभाव किया है, लड़ाई करवाई है, दंगे करवाने की वो की है इन्होंने, धर्म के नाम पे वोट मांगे हैं। और अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जातीय दंगे की जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार के दौरान हुए हैं। हरियाणा के करीब 100 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं भाई साहब, कम छोटी बात नहीं होती है। इन्होंने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, अब कह रहे हैं कि बाद में अगले इलेक्शन में हटाएंगे। व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग पर जीएसटी और नोटबंदी करके लोगों को मारा। अब सरकार बताए ना कि नोटबंदी के दौरान क्या फायदा हुआ, कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, कितना ब्लैक मनी आया। पिछले चुनाव में चाय वाले बने हुए थे सारे के सारे, और इस चुनाव में ये चौकीदार बन गए सारे। अगर इन्होंने काम किया होता तो चौकीदार की बजाय अपने आगे नाम के आगे विकास लगाते, विकास मनोहर लाल खट्टर जी ऐसे लगाते, विकास नरेंद्र मोदी जी। अब पिछले चुनाव में चाय वाला थे, अब चौकीदार हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी हर साल, तो 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन नोटबंदी के दौरान 2 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं। अगर प्रदेश में विकास कार्य होते तो भाजपा सरकार के मंत्री अपने नाम के साथ चौकीदार की बजाय विकास अवश्य लिखते। नवीन जैन ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी का खूंटा उखाड़ने का काम करेंगे। हमारे चौकीदार कृष्ण पाल जी ये पहाड़ भी खाते हैं, ये सरकारी स्कूल खाते हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल खा जाते हैं, ये तो सब कह रहे हैं कि भाई काम नहीं करे, पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था, मैं कृष्ण पाल गुर्जर जी के सामने एक चैलेंज है भाई, जो मैनिफेस्टो 2014 में बीजेपी का था उसको पब्लिक में पढ़ के सुना दें। बस हमारे पास ज्यादा तो पैसे हैं नहीं, चंदा इकट्ठा करके 1 लाख रुपए जरूर दे देंगे। उन्हीं का मैनिफेस्टो जो 2014 में जो उन्होंने लागू किया था उसी की बात कर रहे हैं, वो पढ़ के सुना दे, खट्टर साहब सुना दे। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी का खुट्टा ये गठबंधन पड़ेगा, कांग्रेस के बस की बात है नहीं, कांग्रेस ने भाई साहब पूरी तरह सेटिंग कर रखी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट मांगेंगे, भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद स्कूल और अस्पतालों में सुधार कर व्यवस्था परिवर्तन किया है। तो हम तो एक लोगों से ये अपील करेंगे और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जो दिल्ली के अंदर काम किया गया है बिजली पर, पानी पर, स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, हमने काम किया है जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, और जो बीजेपी के कांड हैं वो लेके जाएंगे लोगों के बीच में। लोगों से हमारी यही वो है कि भाई अगर काम करवाने हो तो आम आदमी पार्टी और जेजेपी को वोट दे देना, और अगर कांड करवाने हो तो बीजेपी को वोट दे देना।